सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर न्यू वीडियो। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं सुजुकी वीस्टॉर्म 250। सो जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं, वेल 2,30,000-2,40,000 के प्राइस ब्रैकेट में आती है ये। और जानते हैं कि ये बाइक कितनी वैल्यू फॉर मनी है, क्या इसके प्रोज हैं, क्या इसके कॉन्स हैं, सब जानेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में और चलिए शुरू करते हैं। सो भाई स्टार्ट करते हैं पहले इसके एग्जॉस्ट साउंड से। सो भाई स्टार्ट करते हैं, ऑनर से जानते हैं उनका जो रियल लाइफ जो है रिव्यू इस बाइक को लेके। तो चलते हैं, क्या हाल है भैया? सो भैया बताइए आप हमारी जनता को कि आपने ये बाइक कब ली थी और आपको ये ऑन रोड कितने की पड़ी? मैंने ये बाइक परचेस करा था दिस ईयर। ये बाइक मुझे ठीक है भैया। तो अभी आपको जो टाइम हो गया है, जितना भी टाइम पीरियड है, तो उस टाइम पीरियड में आपकी कितनी सर्विसेज हो चुकी हैं अभी तक? फर्स्ट सर्विस जो है वो भी फ्री। ओके, जब मैंने बाइक परचेस करा था तो उसके साथ कुछ मुझे ऑफर्स भी मिला था बाइक। ओके, जैसे कि एक जैकेट मिला था मुझे, राइडिंग जैकेट जो 7,000 के कॉस्ट में आप मतलब करता है उसका। ओके, और 5 साल या मतलब उसका क्या कहते हैं कि 5 साल का एक्सटेंड वारंटी जो भी पार्ट्स है पार्ट्स का वो एक्सटेंड हो गया 5 साल के लिए। और फर्स्ट सर्विस वो मुझे फ्री मिला। तो बाद बाकी इसका जो सर्विस कॉस्ट करता है ठीक है वो आपको 1,500 रुपये का मतलब पड़ेगा, डेढ़ दो। क्योंकि जब मैंने ये फर्स्ट सर्विस पे गया था उन्होंने बोला था कि जब 1,000 किलोमीटर हो जाए मतलब हो जाएगा तब आ जाना, और जो नेक्स्ट सर्विस है 4,000 या 5,000 के अंदर करवा लेना सेकंड सर्विस। ओके, सो अभी कितना किलोमीटर रन कर चुकी है? अभी तो ये 2,000 किलोमीटर किलोमीटर। सो आप इसको लाइक अभी तक आपने इस पर कोई लॉन्ग टूर करा है या बेसिकली आप इसको अभी तक सिटी में ही राइड करते हो? सिटी में अभी पिछले महीने मैं गया था वृंदावन। ओके, वृंदावन गया था इसको लेके। तो ओके गुड। सो ओवरऑल जो आपको माइलेज मिला लाइक हाईवे पे और सिटी में, वो जो माइलेज है वो क्या रहती है? सिटी में मुझे ये 30 के आसपास दे देता है, और जब मैं इवन यमुना एक्सप्रेस से गया था मतलब हाई रोड पे तो मुझे 35-36 मिल गया था मुझे माइलेज। ओके, विच इज़ गुड। सो बेसिकली इसकी जो डायरेक्ट जो कॉम्पिटिटर है वो है KTM की एडवेंचर 250 है। सो मोस्टली लाइक आप ये उस पर क्यों नहीं गए, इस पर गए? क्योंकि ये पावर का भी देखा जाए तो पावर का भी डिफरेंस है। KTM बेसिकली नोन फॉर इट्स यू नो एग्रेशन। तो ये सुजुकी जो बेसिकली नोन होती है वो उसके कि उसकी स्मूथनेस ज़्यादा है। तो आपने उस बाइक को क्यों नहीं लिया, इसको क्यों लिया? एक्चुअली मैंने ये बाइक लिया है, एक तो पैसों में आ जाता है प्राइस रेकेट का बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है और माइलेज में भी आ जाता है वो। ओके, और दूसरा मुझे यहाँ पे 3 चीज़ मिल रहा था जो मुझे लगा ये डील ठीक है मेरे लिए। ओके, तो मैंने ये चूज़ किया कि ठीक है ले। सो लाइक दूसरी चीज़ ये कि भैया इसका जो ओवरऑल जो राइड एक्सपीरियंस है कैसा है, लाइक जो हाई स्पीड, स्टेबिलिटी, ब्रेकिंग, थ्रॉटल रिस्पॉन्स वो कैसा है अभी तक का? लाइक आपको कभी अंडर पावर तो फील नहीं होती है? नहीं देखो, एक्चुअली ये बाइक में मैंने हाई रोड में 149 के स्पीड में भगाया है और लास्ट ठीक है। बाद बाकी इसका जो इसकी टॉप स्पीड होगी टॉप स्पीड 151 के अराउंड आ जाता है, मैंने 149 में टच करा है जी, तो ठीक है। ओके, एंड बट अबाउट द सीट कंफर्ट, क्योंकि ऑब्वियसली जो सीट कंफर्ट है वो बहुत मैटर करता है। KTM से बहुत ही सॉफ्ट है ये, KTM बहुत हार्ड हो जाता है। जी KTM की थोड़ी जो स्टिफ है सीट ठीक है, और ये बहुत ही सॉफ्ट सा है, मतलब आपको वो KTM वाला फील नहीं रहेगा कि हार्ड है। ओके ठीक है, ये ठीक है सीट का। ओके, सो बेसिकली शॉर्ट राइडर्स के लिए ना एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है कि हाँ यार उनका जो है ठीक से वो बैठ पाएंगे या नहीं बैठ पाएंगे। सो मैं जानना चाहूँगी कि आपकी हाइट क्या है? मेरा
5'10" सो हाइट जो है कंसर्न होता है. सो लाइक मैं ये जानना चाहूँगा कि इफ़ यू आर यू नो शॉर्ट राइडर, सो इसका जो बाइक का जो टर्निंग रेडियस है वो कितना डिफिकल्ट होता है, लाइक इसको मैन्यूवर करना ट्रैफिक में और लाइक यू नो सिटी में. तो बेसिकली सिटी में ही होता है इस बाइक को, एडवेंचर बाइक को मैन्यूवर करना. जैसे कि आपको पता है कि एडवेंचर बाइक के लिए हाइट थोड़ा सा इशू आता है, जी जो शॉर्ट हाइट होते हैं उनके लिए थोड़ा सा इशू रहता है. बेसिकली ये इस बाइक को जिसका हाइट 5'9" है 5'8" है वो चला सकते हैं इजीली, थोड़ा सा बैलेंस करके चला सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें. बाद बाकी ठीक है, मतलब जैसे कि आपको लग रहा है कि बैलेंस के हिसाब से चला सकते हो. बाकी लाइक वाइब्रेशंस तो मुझे नहीं लगता है या वाइब्रेशन स्पीड पे है वाइब्रेशंस, क्योंकि जैसे बेसिकली सुजुकी के जो इंजन है वो एक बहुत ज़्यादा रिफाइनमेंट और स्मूथनेस के लिए जाने जाते हैं. तो मैं जानना चाहूँगा कि इसमें वाइब्रेशंस हैं तो कितनी है. जैसे कि ये बाइक है, एक्चुअली ये बाइक जो सुजुकी वीस्ट्रॉम SH250, ये एक्चुअली मॉडल जो जिक्सर है 250, सेम इंजन सब कुछ सेम है जो जिक्सर की है. बाकी इनका लुक चेंज करके इसको एडवेंचर बनाया गया है, बस थोड़ा सा इंजन में ट्यूनिंग दिया गया है. जैसे इसका फर्स्ट गियर में 40 के आसपास टच कर लेता है तो उसमें ना वाइब्रेशन थोड़ा ही आ जाता है, ठीक है, वाइब्रेशन थोड़े बहुत आते हैं. ओके एंड सो भैया, हर एक बाइक के कुछ ना कुछ प्रोज होते हैं, कुछ ना कुछ कॉन्स होते हैं. सो जानते हैं आपसे कि क्या इस बाइक के प्रोज हैं, क्या इसके कॉन्स हैं और किस बाइक किसको ये बाइक लेनी चाहिए. बजट का कुछ इशू होता है कि मुझे 6 लाख के अंदर एक एडवेंचर बाइक चाहिए बिगिनर के लिए, कि मुझे एडवेंचर करना है, तो वो ये बाइक ले सकता है, इजीली ये वो परचेस कर सकता है. क्योंकि इस बाइक में वो फील मिलेगा जो एक मतलब बिगिनर के लिए चाहिए, तो ये सब कुछ इसमें मिल सकता है उसे. ठीक है भैया, सो प्रोज जो आपने अभी तक बताया, इसकी एक जो ऑब्वियसली एक जो इसकी स्मूथनेस है, एंड सेकंड इसका सीटिंग कैपेसिटी बहुत ही बढ़िया है कि एक बंदे को जो चाहिए कंफर्टेबल बैठने के लिए, चलाने के लिए, जो लॉन्ग राइड पे जाता है जिस बंदे को पेन होता है तो वो इसमें नहीं होगा. ओके उसको मतलब दिक्कत ही नहीं आएगा कि चलो लॉन्ग पे जा रहे हैं, मतलब लगेगा ठीक है बिल्कुल. ओके एंड भैया बेसिकली आप इसको रात में राइड करते हो, इसको लाइट का थ्रो कैसा है. इसका लाइट का थ्रो तो ठीक है, डीपर अब मुझे डीपर से ज़्यादा अपर की लाइट जो है ना वो लगता है अच्छा है. जो डीपर आ जाता है ना वो थोड़ा कम मतलब कम ही लगता है मुझे, कि ये थोड़ा सा बैट होना चाहिए था उस हिसाब से. और इसका ब्रेक के बारे में बताना चाहता हूँ कि अगर आप भगा रहे हो इसे कि तुरंत आपको ब्रेक करना है, तो इसका ब्रेक बहुत ही अच्छा मतलब आपको ये करता है. सो अब जानते हुए आपसे कौन इसके कौन क्या क्या कौन इस बाइक में मुझे दो चीज़ लगाए, वो एक GPS ट्रैकिंग में मुझे कमी है कि आप इसको स्टार्ट करके GPS अगर आपको कहीं जाना है आपने मतलब लोकेशन डाल दिया उसमें तो 5 मिनट के बाद ऑटोमेटिक वो बंद हो जाती है. ओके ठीक है. और एक है कि इस मतलब बाइक में गियर फर्स्ट गियर सेकंड गियर आप करोगे ना तो अटकती है, सर लैग है लैग करती है. ओके बाद बाकी एक मतलब कम रेंज के मतलब कम रेंज के अंदर एडवेंचर बाइक चाहिए तो ईजीली ये परचेस कर सकते हैं. ओके सो ओवरऑल ये था भाई बीस्टॉर्म 250 का जो है रिव्यू है भैया ने बताया. सो यस, जिनका प्राइस जो है जिनका जो बजट है वो 2.5 लाख रुपए से कम है वो ऑब्वियसली इस बाइक को कंसिडर कर सकते हैं. यस, ड्यूक 250 इसका एक बहुत तगड़ा कॉम्पिटिटर है, बस हाँ प्राइस ब्रैकेट भी उसके अंदर बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है. सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी वीडियो आपको और मिलती रहेंगी. सो थैंक यू भैया फॉर योर वैल्यूएबल रिव्यू. थैंक यू.